कला के विद्यार्थियों, मैं आज आपको ड्राइंग की बेसिक जानकारी देने जा रहा हूं। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, वैसे जनरली देखा जाता है आप किसी भी प्रकार की कोई भी ड्राइंग बना सकते हो। ड्राइंग बनाने के लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। आप ये देखिए पेंसिल, विद्यार्थियों अनेक प्रकार के पेंसिल है, HB, 2B, 3B, 4B, 6B। इसके अलावा ये देखिए आप पेंसिल, ये चारकोल पेंसिल है, अलग अलग सेट है। मैं इन सब के इम्प्रेशन के बारे में आपको बताऊंगा। पेंसिल द्वारा किस प्रकार की आकृति बना सकते हो आप, किस तरह का शेड दे सकते हो और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए पेंसिल छीलने के लिए ये नाइफ है, नाइफ से आप बारीक साइज में ऐसे ही छील के इसको ऐसे ही छील सकते हैं। यूँ हाथ लगाइए, आप बारीक पॉइंट बना के रखिए इस तरह। जब तक हम पेंसिल को प्रॉपर साइज के अनुकूल नहीं छीलेंगे तब तक हम पेंसिल को ठीक तरह से नहीं चला सकते। विद्यार्थियों, पेंसिल का आगे वाला जो नुकीला हिस्सा है इसको बनाने के लिए हम इस तरह एक पत्थर रख लेंगे और यूं घिस के इसका बारीक पॉइंट भी बना सकते हैं। ये HP पेंसिल है। अब देखो मैं बारीक पॉइंट बना के स्केचिंग करता हूँ। विद्यार्थियों, मैंने शीट पर मॉडर्न कंपोजिशन बनाने के हिसाब से आउटलाइन की है, ये HB पेंसिल का प्रयोग किया है। चित्र बनाने के लिए आपके दिमाग में पहले से ये विचार मौजूद होना चाहिए कि आपको किस विषय पर चित्र बनाना है। हालांकि ड्राइंग के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके चित्र बना सकते हो, किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हो, लेकिन मूलतः अगर आप अच्छा काम करना चाह रहे हो या किसी विशेष बिंदु को ध्यान में रखकर कार्य करने जा रहे हो तो उसके बारे में पहले से आप विचार करके कार्य करें। विद्यार्थियों, मैं ये 2B पेंसिल लेता हूँ, ये मैंने आउटलाइन डाली है। अब देखिए आप मैं किस तरह फॉर्म को निकालता हूँ। आप देखिए इसको, आप मॉडर्नाइज फॉर्म बना सकते हो।
लेडी फिगर बनाइए, हाथ में इसके बाल्टी है मॉडर्नाइज। आप जानवर की आकृति देखिए, बेल की आकृति, आप ये यहाँ पर बेल की आकृति, इसके अलग अलग फॉर्म बनाए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इधर का हिस्सा इधर देख रहा है, दूसरा ये भी हो रहा है इसकी बॉडी वाला पार्ट इधर है। हम आपको और अच्छी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए एक लाइन और डाल देते हैं आप। दूसरी बात, इधर का फॉर्म इधर भी नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इधर से ये एक अलग से जानवर है, ये देखिए आप। दूसरा एक इधर से ही हो, इसमें गति दिखाई दे रही है, ये जानवर इधर नजर आ रहा है। संपूर्ण कंपोजिशन में ये प्रतीत हो रहा है गांव की महिलाएं पानी लेके आई है जानवरों के लिए, ये चारे का ये इनका जो पोट होता है गांव वाला वो मॉडर्नाइज फॉर्म मैंने बनाया है। गांव की चारपाई इम्प्रेशन मैंने दिया है, गांव का इम्प्रेशन हल्का सा ऊपर दिया है, यानी संपूर्ण आकृतियां एक कंपोजिशन की तरह यहाँ पर यूनिटी के रूप में दर्शाई गई है। विद्यार्थियों, इस तरह की अनेक प्रकार की स्केचिंग करके आप अभ्यास कर सकते हो। साथ ही 2B पेंसिल के बाद में आप 3B या 4B पेंसिल से फॉर्म के अंदर डेप्थ दे सकते हो। लाइट डार्क अलग 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 स्टाइल के स्ट्रोक्स वगैरह देके आप फॉर्म को बाहर निकाल सकते हो। इस तरह की स्टडी करने से यह होगा कि जब आप कलर से कंपोजिशन बनाएंगे तो आपको कहाँ पर कौन सा डार्क कलर यूज करना है, कहाँ लाइट करना है, कंपोजिशन की वैरायटी के अकॉर्डिंग आपको जानकारी मिल जाएगी। विद्यार्थियों, फॉर्म के अनुसार आपको इसमें अनेक प्रकार के स्ट्रोक्स लगा सकते हो आप। विद्यार्थी, मैं एक चीज और बताता हूं आपको। ये देखिए आप 6B पेंसिल है, इस 6B पेंसिल से आप जहां हाई डार्क देना चाहते हो अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स लगा के फॉर्म को यू निकाल सकते हो आप। पेंसिल को ऐसे भी पकड़ सकते हो आप, ऐसे भी पकड़ के चला सकते हो। अब सारा जो ये कंपोजिशन का पार्ट है या ड्राइंग का जो पार्ट है कंपोजिशन के रूप में, अगर पूरे को मैं एक जैसा डार्क कर दूंगा तो ये इतना सुंदर नहीं लगेगा।
विद्यार्थियों आप देखिए कि लेडी फिगर मैंने किस तरह मॉडर्नाइज फॉर्म में निकाली, अलग अलग स्ट्रोक देके लाइट डार्क शेड लगाकर। इसी तरह संपूर्ण कंपोजिशन को हम अलग अलग स्ट्रोक देके फॉर्म को उस हिसाब से निकाल सकते हैं। इस रूप में मैं आपको एक कंपोजिशन दिखाने जा रहा हूँ। ये ड्राइंग देखिए आप इसकी, किस तरह मैंने ये फॉर्म बनाए। आप देखें अलग अलग स्ट्रोक से, इसमें बेल है, बेल चलाने वाला है, महिला है, बच्चा है, यहाँ पर मुर्गा है, जो गाड़े लुहार का जो घर गृहस्थी का जो भी सामान होता है, लगभग छोटी मोटी चीज़ें मैंने इसमें दर्शाई है। इसकी ये चारपाई भी है, इसमें ज़्यादातर ये लोग कुत्ता साथ में रखते हैं तो कुत्ता भी मैंने दर्शाया है। तो इस तरह आप एक विषय को लेकर मॉडर्नाइज फॉर्म बनाकर अच्छा कंपोजिशन बना सकते हो, कंपोजिशन की अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। सबसे पहले आप ड्राइंग बनाना सीखिए, उसके बाद आप कलर के बारे में जान पाओगे कि कहाँ पर आपको लाइट कलर लगाना है, कहाँ डार्क कलर लगाना है। तो इसकी बेसिक स्टडी जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है। ड्राइंग के रूप में हम कंपोजिशन नहीं, अनेक प्रकार की आकृतियों के बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे आप इसको देखिए, किस तरह मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रोक्स लगाएं। ये मैंने 2B पेंसिल से किया है ज़्यादा काम। 2B पेंसिल को बिल्कुल, जिससे यूँ आगे का पॉइंट बिल्कुल बना के अच्छी तरह से, और इस तरह यूँ बारीक 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 स्ट्रोक्स लगाएं। कोई भी अच्छी ड्राइंग बनाएंगे तो स्वाभाविक है उसके लिए हमको आर्ट के अनुकूल समय देना पड़ेगा। इस तरह पूरा फॉर्म इस तरह बनाया मैंने, कितने बारीक बारीक स्ट्रोक्स। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल नजदीक लाइए आप इसको और देखिए आप ध्यान से कितने बारीक स्ट्रोक्स लगे हुए हैं। ये पेंसिल है, इसे इस तरह यूं मैंने यूं चला रखी।